जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, किसी भी पाठ्यक्रम को याद करने के दो तरीके हुआ करते हैं। एक, उस पाठ्यक्रम को बार बार में पढ़ा जाए, और एक, उस पाठ्यक्रम को बार बार में लिखा जाए। अब दोनों तरीके ही अक्सर पाठशाला में अध्यापक प्रयोग में लाया करते हैं, जिनमें से लिखित वाला प्रयोग सबसे अधिक कारगर है। लिखित वाले प्रयोग से एक एक शब्द कहां पर है, क्या उसका अर्थ है, यह बच्चे के मन में अच्छी प्रकार से बैठ जाया करता है। इसी प्रकार से जब हम अपने देवों की स्तुति करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे वृद्धजन कई बार उनके पास मोटी मोटी अपनी कॉपियां हुआ करती हैं, जिनमें राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम, वो लिखते चले जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी वे कॉपी भर देते हैं। उनका बहुत अधिक महत्व हुआ करता है, और ये महत्व जो है वह उनके दिमाग में इस प्रकार से बैठ जाता है। जो शब्द हैं वो शब्द के अर्थ हैं, ये उनके दिमाग में बैठ जाया करते हैं। आज जो मैं प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, वह भी इसी पर आधारित है, लेखन पर। और आप यदि यह अपनी कॉपी में या डायरी में रोज लिखेंगे तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, और बड़ा ही आसान सा रास्ता हुआ करता है। आपने सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ से पहली अर्जी लगानी है। अब आप सोच रहे होंगे ये अर्जी क्या होती है। बस सोमवार के दिन अपने एक लोटे में शुद्ध जल भर लें, थोड़ा उसमें कच्चा दूध मिला लें दोस्तों, चले जाएं भोलेनाथ जी के मंदिर में। शिवलिंग होता है दोस्तों, उसके ऊपर आप थार बांधते हुए चढ़ाते हैं, और जब थार बांधते हुए चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय मंत्रों के जप करें। जब आपका यह जल के साथ में जो दूध है ये संपूर्ण हो जाए, तब आपने हाथ जोड़कर भोलेनाथ को यह अर्जी लगानी है और बोलना है कि हे भोलेनाथ, मैं आपका सानिध्य पाकर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं। बस इतना सा आपने बोल देना है दोस्तों। इतना सा बोलने के बाद आप अपने घर पर आ जाएं, बस आपका कार्य यहीं से प्रारंभ हो जाता है। अपने पास में एक डायरी हो या कॉपी हो, एक पेन हो। अब पेन में स्याही किसी भी प्रकार की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप जिस स्याही को प्रयोग में लाएं उसी स्याही को हमेशा प्रयोग में लाएं। काली से लिखते हैं तो काली से ही लिखें, नीली से लिखते हैं तो नीली से ही लिखें। अब आपको जो मंत्र लिखना है वह आप नोट कर लेना, मैं बोल करके सुना देता हूं दोस्तों। और जो लिखना है वह मंत्र है, ओम वयम जयेम शत्रुणाम तव सानिध्य शंभवे।
बस यह छोटा सा एक लाइन का मंत्र है। अब इस मंत्र के अर्थ जो आपने अपने शिवाले में बोला था वही इसका अर्थ है कि हे भोलेनाथ, मैं आपका सानिध्य पाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। बस हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें आपका सानिध्य पाकर। ओम वयम जयेम शत्रुणाम तव सानिध्य शंभवे। इतना सा आपने एक लाइन का यह लिखना है, पर यह आपने 11 बार लिखना है दोस्तों। अब लिखेंगे तो एक बार क्या लिखना, उसमें समय ही कितना लगता है। आप इसको 11 बार आराम आराम से लिखना और आपको अर्थ याद रखना है, जो अर्थ मैंने बोला है कि हे भोलेनाथ, आपका सानिध्य पाकर हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। यह विचार जब आपके मन में आता रहेगा बार बार में, तो दोस्तों यह विचार पक्का बन जाएगा और इन विचारों से ही आपका संकल्प बनेगा और संकल्प से ही आपको सिद्धि मिलेगी। तो कम से कम 41 दिन तक इसे अवश्य करें, रोजाना लिख लिया करें। अब आपको शिवालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी अर्जी वहां से लग गई है दोस्तों। अब आप शत्रुओं से भयभीत नहीं होंगे, शत्रु आपसे भयभीत रहेगा, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने लग जाएंगे। यानी आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कैसा ही बलवान से बलवान शत्रु हो, आपको इस पर विजय प्राप्त अवश्य होगी। किसी का कोर्ट में भी यदि केस चल रहा है, मुकदमा यदि नहीं जीत रहे हैं, परेशान हैं, बेवजह का झगड़ा लग गया है, तब भी इस प्रयोग को दोस्तों कर सकते हैं। करेंगे तो आपके पक्ष में वह अपना मुकदमा आने लग जाएगा दोस्तों। कर लेना अति उत्तम प्रयोग है, अच्छा लगे तो किसी को बता देना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।